Welcome to Renaissance English Tuition, helping you go places. आज हम करेंगे कैम्ब्रिज आइल्स बुक 3 रीडिंग 4 के सेकंड पैसेज का एनालिसिस. क्वेश्चंस 14th एंड 15th बोथ आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. क्वेश्चन 14th, व्हाट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ द सफ्रेजेट मूवमेंट्स वर्क टू विच द एग्जीबिशन एट द म्यूजियम ऑफ लंदन इज डिवोटेड. सफ्रेजेट मूवमेंट का काम जिसको म्यूजियम ऑफ लंदन में लगी हुई एग्जीबिशन डिवोटेड है, उसका मुख्य पहलू क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड पैसेज के सेकंड पैराग्राफ में है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें पहले फर्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ना पड़ेगा इसका. द सफ्रेजेट मूवमेंट विच कैंपेन्ड फॉर वोट्स फॉर वीमेन इन द अर्ली 20th सेंचुरी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द पैंकहर्स्ट फैमिली एंड मिलिटेंट एक्ट्स ऑफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ वायलेंस. द म्यूजियम ऑफ लंदन हैज ड्रॉन ऑन इट्स आर्काइव कलेक्शन to convey a fresh picture with its exhibition. Early 20th century ka suffragette movement jisne mang ki thi auraton ke liye vote ka adhikar prapt karne ki, isko mukhyata associate kiya jata hai, joda jata hai Pankhurst family ke saath aur alag alag degree ke jo hinsak इंसिडेंट्स हुए थे उनके साथ. म्यूजियम ऑफ लंदन ने अपनी एग्जीबिशन के थ्रू और जो इसकी अपनी आर्काइव कलेक्शन है उसके इस्तेमाल से इस मूवमेंट की एक ताज़ा पिक्चर पेश की है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन अगेन. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ द सफ्रेजेट मूवमेंट्स वर्क to which the exhibition at the Museum of London is devoted. Here I have highlighted the answer in blue. The name is a reference to the color scheme that the Women's Social and Political Union created to give the movement a uniform nationwide image. ये जो नाम था ये किस चीज को रेफर करता था? ये एक कलर स्कीम को रेफर करता था जो कि WSPU ने क्रिएट की थी ताकि इस मूवमेंट इस मुहिम को पूरे देश में एक जैसी इमेज प्रदान की जा सके. बाय डूइंग सो इट बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप्स टू प्रोजेक्ट अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी एंड इट इज दिस एडवांस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलॉन्ग विद the other organizational and commercial achievements of the WSPU to which the exhibition is devoted. ऐसा करके इसने अपने आप को उन ग्रुप्स में शामिल कर लिया जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले अपने लिए कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बनाई थी, यानी कि ये उन ग्रुप्स का हिस्सा बन गया जो सर्वप्रथम ग्रुप थे अपने लिए कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बनाने वाले. WSPU की ऑर्गेनाइजेशनल एंड कमर्शियल अचीवमेंट के साथ साथ यही वो एडवांस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी जिसको ये एग्जीबिशन डिवोटेड थी. हमारा क्वेश्चन है कि सफ्रेजेट मूवमेंट का वो कौन सा मेन एस्पेक्ट, वो कौन सा मेन पहलू था जिसको ये एग्जीबिशन डिवोटेड थी. ये जो सेंटेंस का येलो पोर्शन है ये हमारा वो पोर्शन है जो आंसर पता करने के लिए नेसेसरी नहीं है. आप इस येलो पोर्शन को अगर डिलीट करके पढ़ेंगे तो आप आंसर तक फटाफट पहुंच जाएंगे. तो इस ग्रीन लाइन को पढ़ते हैं. इट इज दिस एडवांस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू विच द एग्जीबिशन इज डिवोटेड. ये वो एडवांस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसको ये एग्जीबिशन डिवोटेड है. अब ये कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है अपने ग्रुप को एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी प्रदान करना. WSPU यानी कि वीमेंस सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन ने तीन कलर्स यूज करके एक कलर स्कीम बनाई थी. ये यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया है.
पर्पल, वाइट एंड ग्रीन, ये कलर्स इन्होंने यूज़ किए थे। और इन कलर्स को यूज़ करके इन्होंने सफ्रजेट मूवमेंट को एक कॉरपोरेट आइडेंटिटी दी, जो कि बहुत ही एडवांस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। और यही वो स्ट्रेटजी है कॉरपोरेट आइडेंटिटी प्रोजेक्ट करने की, जिसको ये एग्जीबिशन डिवोटेड है। MCQs सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि पहले जो आपको चार ऑप्शंस दी गई हैं ABCD, आप इनमें से वो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दें जो आपको साफ तौर पे पता है कि आंसर नहीं हो सकती। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है, द रोल ऑफ द पैंकहर्स्ट फैमिली इन द सफ्रेज मूवमेंट, तो क्या ये मुद्दा था, ये मेन आस्पेक्ट था सफ्रेजिट मूवमेंट का, पैंकहर्स्ट फैमिली? तो इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें पता चल चुका है कि ये उसका मेन मुद्दा नहीं था। इसी तरह से आप सेकंड ऑप्शन देखिए, द वायलेंस ऑफ द मूवमेंट्स पॉलिटिकल कैंपेन, इस पॉलिटिकल कैंपेन में जो वायलेंस हुई थी, जो हिंसा हुई थी, वो इस मूवमेंट का मेन आस्पेक्ट था, तो ये भी हमें पता है कि ये आंसर नहीं है। और डी ऑप्शन, द मूवमेंट्स कोऑपरेशन विद सफ्रेज ग्रुप्स ओवरसीज, जो दूसरे देशों में सफ्रेज ग्रुप्स थे जो वोटिंग का अधिकार चाहते थे, उनके साथ कोऑपरेशन करना, तो ये भी हमारे एग्जीबिशन का मुद्दा नहीं है, ये भी हमारी सफ्रजेट मूवमेंट का मुद्दा नहीं है जिसको ये एग्जीबिशन डिवोटेड है। तो अगर हम ये तीन ऑप्शंस एलिमिनेट कर भी देते हैं जो हमें साफ तौर पे पता है आंसर नहीं हो सकती, तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो सी है, द सक्सेस ऑफ द मूवमेंट्स कॉर्पोरेट इमेज, इस मूवमेंट को जो कॉर्पोरेट इमेज दी गई उसकी सफलता, ये सफ्रजेट मूवमेंट का मेन आस्पेक्ट था जिसको ये एग्जीबिशन समर्पित है। MCQs चाहे IELTS की लिसनिंग में हो, चाहे IELTS की रीडिंग में हो, स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इनकी ऑप्शंस जो होती हैं ABCD, ये इस तरह से बनाई गई होती हैं कि अगर आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि हर ऑप्शन में कुछ ऐसे वर्ड्स डाले गए हैं जो कि स्पीकर ने अपने मोनोलॉग या अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ किए हैं। और ऐसा ही रीडिंग में होता है, ये जो ABCD ऑप्शंस होती हैं इनमें वो वर्ड्स डाल दिए जाते हैं जो हमारे एक्चुअल आंसर के आगे पीछे घूम रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैंकहर्स्ट फैमिली को ऑप्शन ए में डाला गया है, एक्ट्स ऑफ वायलेंस को ऑप्शन बी में डाला गया है, और ऑप्शन डी में ओवरसीज ग्रुप्स की बात की गई है, और बच्चे कभी कभी ओवरसीज ग्रुप्स को नेशन वाइड इमेज के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल की बात हो गई तो वो कई बार इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये तीनों ऑप्शंस हमारा आंसर नहीं हो सकती, और अगर हम तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं तो चौथा जो आंसर है वो हमारे पास सीधा आ जाएगा। तो हमने पहले क्या करना है, पहले उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो हमें साफ तौर पे पता है आंसर नहीं हो सकती। अब आप सपोज कीजिए कि आपको पहली दो ऑप्शंस पक्के तौर पे पता है आंसर नहीं हो सकती, तो आपके पास अब सिर्फ सी और डी ऑप्शंस बच गई हैं जिनमें से आपको आंसर ढूंढना है। इससे आपकी जो सर्च है वो नैरो डाउन हो जाती है और आपको आंसर तक पहुंचना ईजी हो जाता है। अब जब हम ऑप्शंस ए एंड बी एलिमिनेट कर चुके हैं तो अब हमारी जो सर्च है वो नैरो डाउन हो गई है, तो अब ऑप्शन सी एंड डी देखते हैं। डी ऑप्शन में यहाँ पर ओवरसीज ग्रुप्स की बात की गई है और टेक्स्ट में बात की गई थी नेशन वाइड इमेज की, ये दोनों बातें भी सेम नहीं हैं, ये दोनों ऑपोजिट बातें हैं, और मोर ओवर इस पैरे में कहीं पर भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात नहीं हुई है, तो डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। एक बात और यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि ऑप्शन सी में कॉर्पोरेट वर्ड यूज किया गया है और ऑप्शन डी में कॉर्पोरेशन वर्ड यूज किया गया है। इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग डिफरेंट है। कॉर्पोरेट का मतलब होता है रिलेटेड टू बिजनेस वर्ल्ड, और कॉर्पोरेशन का मतलब होता है सहयोग करना। ऑप्शंस में कई बार ऐसे मिलते जुलते वर्ड्स डाले जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज किया जा सके। इस बात की रीजनिंग स्टूडेंट को खुद करनी है कि दोनों वर्ड्स के मीनिंग में क्या डिफरेंस है, और अपने लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे उन्होंने खुद समझना है कि यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा हो सकता है।
मूविंग टू द पैसेज, यहाँ पर इस पैसेज में कॉपरेशन यानी सहयोग की बात कहीं पर नहीं हुई है, यहाँ पर सिर्फ कॉपरेट इमेज की बात हुई है, तो सीधी सी बात है जो हमारा आंसर है वो सी होगा ना कि डी। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाई वाज द WSPU मोर सक्सेसफुल देन अदर सफरेज ग्रुप्स। जो WSPU था ये दूसरे सफरेज ग्रुप्स से ज्यादा सक्सेसफुल क्यों था? द ऑप्शंस आर ए इट्स लीडर्स वर मच बेटर एजुकेटेड, बी इट रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम मूवमेंट्स अब्रॉड, सी इट हैड एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी, डी इट हैड अ क्लियर पर्पस एंड डायरेक्शन। लेट्स मूव टू द पैसेज। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है विद द स्लोगन डीड्स नॉट वर्ड्स एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द कलर स्कीम द WSPU सोन ब्रॉट द मूवमेंट द कोहिजन एंड फोकस इट हैड प्रीवियसली लैक्ड। मेंबरशिप ग्रू रैपिडली एज वीमेन डिजर्टेड द मैनी अदर लेस डायरेक्टेड ग्रुप्स एंड ज्वाइंड इट। WSPU का स्लोगन जो कि था डीड्स नॉट वर्ड्स, और नंबर टू उनका अपने मूवमेंट को एक कलर स्कीम देना, कलर स्कीम इंट्रोड्यूस करना इस मूवमेंट के लिए, ये जो दो चीज़ें थी ये इस मूवमेंट में कोहिजन और फोकस लेकर आई जो कि इसमें पहले नहीं थी, और इसी वजह से एक इस ग्रुप की जो मेंबरशिप थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी और वीमेन ने वो ग्रुप्स छोड़ दिए जो कि लेस डायरेक्टेड थे और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। इन दो चीज़ों के कारण, एक तो इनके स्लोगन और दूसरा कलर स्कीम के कारण, इनके मूवमेंट में कोहिजन यानी कि यूनिटी और फोकस यानी कि डायरेक्शन आई जो पहले इसमें नहीं थी। इसी रीजन से जो वीमेन थी उन्होंने लेस डायरेक्टेड यानी कि लेस फोकस्ड ग्रुप्स को छोड़कर इस ग्रुप को ज्वाइन किया, तो यही इनकी सक्सेसफुल होने का कारण था। एक तो कोहिजन, इनका कोहिजन, और दूसरा इनका फोकस। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इट्स लीडर्स वर मच बेटर एजुकेटेड। पैसेज में इनके लीडर्स के एजुकेटेड होने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। सेकंड ऑप्शन है इट रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम मूवमेंट्स अब्रॉड। इनको फॉरेन में कोई मूवमेंट्स थे वहां से इनको फंड्स आए हैं, ये भी पैसेज में कोई बात नहीं हुई है। ऑप्शन सी इट हैड एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का भी कोई मेंशन नहीं है इस पैसेज में, तो जो हमारे पास ऑप्शन बचती है वो डी बचती है। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के बाद ए बी सी हमने पूरी तरह से रूल आउट कर दिए हैं कि ये आंसर हो ही नहीं सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन बची डी, और डी ही हमारा आंसर है क्योंकि यहाँ पे लिखा है इट हैड क्लियर पर्पस एंड डायरेक्शन। क्लियर पर्पस यानी कि कोहिजन और डायरेक्शन यानी कि फोकस, तो यही हमारा आंसर है। तो पहले हमने POE किया, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन डी बची। डी ऑप्शन के ऊपर फोकस करके हमने देखा कि ये हमारा आंसर हो सकता है या नहीं, और टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हमें ये कन्फर्म हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर डी ही है। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच टू ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर लॉज पास्ड अलाउइंग ब्रिटिश वीमेन टू वोट। कौन से वो दो साल थे जिसमें कानून पास किए गए जिनके अकॉर्डिंग ब्रिटिश वीमेन वोट कर सकती थी। द आंसर इज इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज एंड हियर इट इज ऑल्दो द एग्जीबिशन ऑफिशियली चार्ट्स द ईयर्स 1906 to 1914, graphic display boards outlining the bills of enfranchisement of 1918 and 1928, which gave the adult female populace of Britain the vote, show what was achieved. यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो exhibition है वो बेशक 1906 से लेकर 1914 तक के time को cover करती है, लेकिन वहाँ पर जो graphic display boards
लगे हुए हैं वो ये आउटलाइन करते हैं, ये शो करते हैं कि जो द बिल्स ऑफ एनफ्रेंचाइजमेंट थे वो आए हैं 1918 एंड 1928 में. बिल्स स्टैंड फॉर लॉज एंड एनफ्रेंचाइजमेंट स्टैंड्स फॉर वोटिंग का अधिकार. यानी कि जो लॉज पास हुए हैं जो ब्रिटेन में फीमेल्स को वोटिंग का अधिकार दे रहे थे वो 1918 और 1928 में पास हुए हैं. तो हमारा आंसर यहाँ पे है 1918 एंड 1928. अब क्वेश्चन नंबर 17 टू 19 गैप फिलिंग वाले क्वेश्चंस हैं. यहाँ पर हमें नोट्स दिए गए हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है और हमारा जो आंसर है वो 3 वर्ड्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. हमें बताने हैं 3 वेज इन विच द WSPU रेज्ड मनी. अब टेक्स्ट की तरफ चलते हैं. हमारा आंसर इस हाइलाइटेड पोर्शन में है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं. इक्वली इम्पॉर्टेंटली फॉर अ राइजिंग पोलिटिकल ग्रुप द न्यूज़पेपर रिटर्न्ड अ प्रॉफिट. तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि जो इनको प्रॉफिट आ रहा था वो न्यूज़पेपर से आ रहा था. दिस वॉज पार्टली बिकॉज एडवर्टाइजिंग स्पेस वॉज बॉट इन द पेपर बाई लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर्स सच एज सेल्फ्रिजेस एंड ज्वेलर्स सच एज मैपिन एंड वेब. थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके पढ़ना पड़ेगा. यहाँ पर लिखा है दिस वॉज पार्टली बिकॉज. अब ये दिस किसके लिए लगा है? प्रॉफिट के लिए. तो प्रॉफिट जो था पार्टली, पार्टली मतलब उसका कुछ हिस्सा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहाँ से आ रहा था? दिस वॉज पार्टली बिकॉज एडवर्टाइजिंग स्पेस वॉज बॉट. क्योंकि जो डिपार्टमेंट स्टोर थे जैसे कि सेल्फ्रिजेस या ज्वेलर्स थे जैसे कि मैपिन एंड वेब, वो इनके न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग स्पेस खरीद रहे थे. तो इनके प्रॉफिट का, इनके मनी का कुछ हिस्सा जो आ रहा था वो एडवर्टाइजिंग स्पेस से आ रहा था. क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वहां पर लिखा है द न्यूज़पेपर्स मेनली थ्रू सेलिंग डैश, और टेक्स्ट में लिखा है एडवर्टाइजिंग स्पेस वॉज बॉट. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज खरीदी जा रही थी, वो टेक्स्ट में उसका ऑपोजिट लिखा है कि कौन सी चीज बेची जा रही थी. तो जो चीज बेची जा रही थी वो एडवर्टाइजिंग स्पेस थी, तो यही चीज खरीदी जा रही थी. तो हमारे ब्लैंक में जो आंसर आएगा 17th ब्लैंक में, वहां पर आएगा एडवर्टाइजिंग स्पेस मेनली थ्रू सेलिंग एडवर्टाइजिंग स्पेस. मतलब उनको जो मनी आ रही थी वो मेनली कहाँ से आ रही थी? एडवर्टाइजिंग स्पेस बेचकर, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में. और टेक्स्ट में लिखा है कि ये जो डिपार्टमेंट स्टोर्स थे ये एडवर्टाइजिंग स्पेस खरीदते थे. तो यहाँ पर दो ऑपोजिट वर्ड्स का यूज किया गया है, सेलिंग एंड बॉट. तो जो चीज बेची जा रही थी सेम वही चीज खरीदी जा रही थी. तो हमारा आंसर अब हमें यहाँ पे शो शॉर्ट पता है कि एडवर्टाइजिंग स्पेस आएगा. अब 18th क्वेश्चन का आंसर हमारा इस ग्रीन पोर्शन में है. द क्रिएशन ऑफ द कलर स्कीम प्रोवाइडेड अनदर मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी विच द WSPU वॉज क्विक टू एक्सप्लॉयट. तो जो दूसरी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी थी ये कौन सी थी? क्रिएशन ऑफ द कलर स्कीम, जिसको WSPU ने फटाफट यूज किया. द ग्रुप बिगेन टू सेल प्लेइंग कार्ड्स, बोर्ड गेम्स, क्रिसमस एंड ग्रीटिंग कार्ड्स एंड काउंटलेस अदर गुड्स ऑल इन द पर्पल, वाइट एंड ग्रीन कलर्स. WSPU ने अपने गुड्स यानी कि अपने मर्चेंडाइज जैसे कि प्लेइंग कार्ड्स, बोर्ड गेम्स, क्रिसमस एंड ग्रीटिंग कार्ड्स और कई तरह के गुड्स को अपनी कलर स्कीम जो कि पर्पल, वाइट एंड ग्रीन थी उसमें बेचना शुरू किया और वहां से पैसा बनाना शुरू किया. क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए. क्वेश्चन है मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज. मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है खरीदने बेचने की एक्टिविटीज. इन मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज में क्या इंक्लूडेड है?
सेलिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स। और ये लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स कौन से हैं? ये हैं प्लेइंग कार्ड्स, बोर्ड गेम्स, क्रिसमस एंड ग्रीटिंग कार्ड्स और अदर काउंटलेस गुड्स। और इन गुड्स को प्रोड्यूस किस में किया जाता था? दे वर प्रोड्यूस्ड इन देयर कलर स्कीम। ये लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल इन द पर्पल व्हाइट एंड ग्रीन कलर्स। तो यहाँ पर ब्लैंक में या तो आप लिख सकते हैं कलर स्कीम, या लिख सकते हैं थ्री कलर्स, या आप लिख सकते हैं पर्पल कॉमा व्हाइट कॉमा ग्रीन। 19th क्वेश्चन है एडिशनल फंड रेजिंग एक्टिविटीज फॉर एग्जाम्पल डैश। अब हमें बाकी की फंड रेजिंग एक्टिविटीज बतानी है। इसका आंसर यहाँ पर है बट द पेपर एंड मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज अलोन डिड नॉट प्रोवाइड सफिशियंट फंड्स फॉर द WSPU टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट्स। सो न्यूमरस अदर फंड रेजिंग एक्टिविटीज कंबाइंड टू फिल द कॉफर्स ऑफ द वॉर चेस्ट्स। द मोस्ट नोटेबल ऑफ दीज वॉज द वुमेन्स एग्जीबिशन। क्वेश्चन नंबर 17th एंड 18th में हमने जो इनके दो मेथड्स फिल किए हैं मनी रेज करने के, नंबर 1 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग स्पेस बेचने के, और नंबर 2 अपनी मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज के थ्रू पैसा इकट्ठा करने के, ये जो दो मेथड्स थे ये WSPU की ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं थे। जो एडिशनल फंड रेजिंग एक्टिविटीज थी उनको पैसेज में न्यूमरस अदर फंड रेजिंग एक्टिविटीज कहा गया है। मनी रेज करने की ये जो न्यूमरस एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन था, इनमें से सबसे ज्यादा नोटेबल जो एक्टिविटी थी वो थी वुमेन्स एग्जीबिशन, जिसने 1909 में 10 दिनों में इतना अमाउंट, इतना फंड इकट्ठा किया था जो आज के इतने पैसे के बराबर होता। तो वो एडिशनल फंड रेजिंग एक्टिविटी जिससे पैसे इकट्ठे किए गए थे वो थी वुमेन्स एग्जीबिशन। तो 19th जो हमारा ब्लैंक है उसमें हमारा आंसर आएगा द वुमेन्स एग्जीबिशन। क्वेश्चन नंबर 20-26 हमारे हैं येस नो नॉट गिवन कैटेगरी के क्वेश्चंस। द 20th क्वेश्चन इज इन 1903 Women in Australia were not allowed to vote. Australia में 1903 में women को वोट करने का अधिकार नहीं था। इसका आंसर यहाँ पर है formed in 1903 by the political campaigner Mrs. Emmeline Pankhurst and her daughters Christabel and Sylvia. The WSPU began an educated campaign to put the women's suffrage on the political agenda. 1903 में Pankhurst family ने एक campaign शुरू की ताकि वो women को voting का अधिकार दिलवा सके। इसके बाद लिखा है New Zealand, Australia and parts of the United States had already enfranchised women. ये जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कुछ पार्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स के हैं ये ऑलरेडी वीमेन को वोटिंग का अधिकार दे चुके थे। यानी कि 1903 तक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ पार्ट्स में वीमेन को वोटिंग का अधिकार मिल चुका था। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1903 में ऑस्ट्रेलिया में वीमेन को वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई। तो हमारा जो आंसर इसका होगा वो नो होगा। क्वेश्चन नंबर 21 द मेन ऑर्गन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द WSPU वर इट्स टू न्यूज़पेपर्स। WSPU के लिए कम्युनिकेशन करने के दो मेन मेथड्स कौन से थे? इसके दो न्यूज़पेपर्स यहाँ पर पढ़ते हैं। द न्यूज़पेपर्स प्रोड्यूस्ड बाय द WSPU। WSPU जो न्यूज़पेपर्स छापता था, पहला वोट्स फॉर वीमेन और दूसरा द सफ्रजेट, प्लेड अ वाइटल रोल इन दिस कम्युनिकेशन।
इन दोनों ने एक बहुत ही जरूरी वाइटल यानी कि इम्पोर्टेंट रोल अदा किया इस कम्युनिकेशन में। और आगे भी ये सेम चीज़ ही कंटिन्यू की गई है कि बोथ वर सोल्ड थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में ये दोनों न्यूज़पेपर बेचे जाते थे एंड प्रूव्ड एन इनवैल्यूएबल वे ऑफ इन्फॉर्मिंग मेंबर्स ऑफ मीटिंग्स, मार्चेस, फंड रेजिंग इवेंट्स एंड द लेटेस्ट न्यूज एंड व्यूज ऑन द मूवमेंट। और ये इनके मेंबर्स को इनकी मीटिंग्स के बारे में, मार्चेस के बारे में, या फंड रेजिंग इवेंट्स या लेटेस्ट न्यूज या इन मूवमेंट के बारे में लोगों का क्या व्यू था, ये सब बताने के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जरिया थे ये दोनों न्यूज़पेपर। और हमारा जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम चीज़ ही लिखी गई है कि जो WSPU के कम्युनिकेशन के मेन ऑर्गन्स थे वो दो न्यूज़पेपर थे। तो जो टेक्स्ट में सेंटेंस है और जो क्वेश्चन में सेंटेंस है वो दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 21th क्वेश्चन का होगा यस। 22nd क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ द WSPU वॉज मेनली कन्फाइंड टू लंडन एंड द साउथ। WSPU का जो काम था ये मुख्यतः लंडन और साउथ तक ही सीमित था। इसका आंसर यहाँ पर है, बाय 1906 द WSPU हेडक्वार्टर्स कॉल्ड द वीमेन्स प्रेस शॉप हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन चौरिंग क्रॉस रोड एंड इन स्पाइट ऑफ लिमिटेड कम्युनिकेशन, दैट इज नो रेडियो और टेलीविजन एंड मिनिमल यूज ऑफ द टेलीफोन, द मैसेज हैड स्प्रेड अराउंड द कंट्री विद मेंबर्स एंड ब्रांच ऑफिसर्स स्ट्रेचिंग टू एज फार एज स्कॉटलैंड। 1906 में WSPU का हेडक्वार्टर जिसका नाम था वीमेन्स प्रेस शॉप, ये एस्टेब्लिश कर दिया गया था चारिंग क्रॉस रोड में। और लिमिटेड कम्युनिकेशन होने के बावजूद, क्योंकि इनके पास ना तो रेडियो था ना टेलीविजन था और टेलीफोन का यूज़ भी बहुत कम था, इन चीज़ों के बावजूद इनका जो मैसेज था ये पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गया था और इनके जो मेंबर्स और ब्रांच ऑफिसर्स थे वो स्कॉटलैंड तक फैले हुए थे। हमारा क्वेश्चन कहता है कि इनकी जो पहुंच थी वो सिर्फ लंदन और साउथ तक सीमित थी, लेकिन टेक्स्ट में हमें बताया गया है कि इनके मेंबर्स और ब्रांच ऑफिसर्स जो थे वो स्कॉटलैंड तक फैले हुए थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, इन दोनों के मीनिंग एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो हमारा जो 22nd क्वेश्चन का आंसर होगा वो नो होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द WSPU's न्यूज़पेपर्स वर मेनली डिवोटेड टू सोसाइटी न्यूज़ एंड गॉसिप। WSPU के जो न्यूज़पेपर्स थे वो खास तौर पे सोसाइटी की न्यूज़ और गपशप को ही समर्पित थे। यहाँ पर देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दोनों न्यूज़पेपर जो थे, वोट्स फॉर वीमेन और द सफ्राजेट, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया था इनकी कम्युनिकेशन में। दोनों ही पूरी कंट्री में बेचे जाते थे और ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव मेथड था इनके मेंबर्स को मीटिंग्स, मार्चेस, फंड रेजिंग इवेंट्स, लेटेस्ट न्यूज और जो मूवमेंट के बारे में पब्लिक ओपिनियन था उसके बारे में बताने के लिए। इसके कॉन्ट्राडिक्शन में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि न्यूज़पेपर्स जो थे वो सोसाइटी की न्यूज और गॉसिप को डिवोटेड थे। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है उसका आंसर होगा नो। 24th क्वेश्चन है, द वुमन्स एग्जीबिशन इन 1909 मेट विद ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम पार्लियामेंट। जो वुमन की एग्जीबिशन थी जो 1999 में लगी थी, इसको पार्लियामेंट की तरफ से बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इस पूरे पैसेज में इस मूवमेंट को पार्लियामेंट की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा हो इसकी कोई बात कहीं पर भी नहीं हुई है। यहाँ पर किंग जॉर्ज फाइव की बात हुई है और नीचे जाकर पॉलिटिशियंस की बात हुई है, लेकिन पार्लियामेंट की तरफ से इनको ऑपोजिशन यानी विरोध का सामना करना पड़ा ये बात कहीं पर भी नहीं हुई। तो इस बेस पर इस क्वेश्चन का आंसर नॉट गिवन होगा।
क्वेश्चन नंबर 25, द म्यूजियम ऑफ लंदन एग्जीबिशन इंक्लूड्स सम ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय द मूवमेंट। द म्यूजियम ऑफ लंदन में जो एग्जीबिशन लगी है वहां पर कुछ ऐसा सामान रखा गया है जो इस मूवमेंट के दौरान बेचा गया था। इट हैज बीन रिटन हियर दैट द म्यूजियम ऑफ लंदन्स एग्जीबिशन इज लार्जली विजुअल विद अ ह्यूज नंबर ऑफ आइटम्स ऑन शो अगेंस्ट अ क्वाइट बैकग्राउंड हम ऑफ स्ट्रीट साउंड्स कॉपीज ऑफ द सफ्रेजेट कैंपेन बैनर्स एंड फोटोग्राफ्स आर ऑल ऑन डिस्प्ले टुगेदर विद वन ऑफ मिसेज पैंकहर्स्ट शूज एंड अ नंबर ऑफ पर्पल वाइट एंड ग्रीन ट्रिंकेट्स। यहाँ पर लिखा गया है कि द म्यूजियम ऑफ लंदन में जो एग्जीबिशन लगी है वो लार्जली विजुअल है, यानी कि वहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलता है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। वहाँ पर कॉपीज ऑफ द सफ्रेजेट रखी गई हैं, न्यूज़पेपर सफ्रेजेट की कॉपीज रखी गई हैं, कुछ बैनर्स रखे गए हैं जो कैंपेन से रिलेटेड थे, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मिसेस पैंकहर्स्ट का एक शू है और कुछ पर्पल वाइट एंड ग्रीन कलर के ट्रिंकेट्स यानी कि छोटी छोटी चीज़ें रखी गई हैं। हमारा क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि द म्यूजियम ऑफ लंदन में जो एग्जीबिशन लगी है वहाँ पर कुछ ऐसा सामान रखा गया है जो मूवमेंट के दौरान बेचा गया था। तो दोनों स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, तो हमारा आंसर जो है 25th क्वेश्चन का वो होगा यस। क्वेश्चन नंबर 26th है, द अपोनेंट्स ऑफ द सफ्रेजेट्स मेड फिल्म्स अपोजिंग द मूवमेंट। जो इस सफ्रेजेट मूवमेंट के विरोधी थे उन्होंने कुछ ऐसी फिल्म्स बनाई जो इस मूवमेंट के विरोध में थी। सर हमारा इस पैराग्राफ में है, विजिटर्स कैन वॉच अ शॉर्ट फिल्म मेड अप ऑफ ओल्ड न्यूज रील्स एंड सिनेमा मटीरियल विच क्लियरली रिवील्स द पोलिटिकल मूड ऑफ द डे टूवर्ड्स द सफ्रेजेट। विजिटर्स यहाँ पर शॉर्ट फिल्म्स देख सकते हैं जो दिखाती हैं कि उस समय का जो पोलिटिकल मूड था वो सफ्रेजेट्स के प्रति कैसा था। फर्दर यहाँ पर लिखा गया है, द प्रोग्राम बिगिन्स विद अ शॉर्ट फिल्म डिवाइज्ड बाय द एंटीज दोज अपोज्ड टू वीमेन हैविंग द वोट डिपिक्टिंग ए सफ्रेजेट एज अ फियर्स हैरिडन बुलिंग हर पुअर अब्यूज्ड हस्बैंड। तो जो प्रोग्राम की शुरुआत होती है वो एक शॉर्ट फिल्म से होती है जो कि इस मूवमेंट के विरोधियों एंटीज ने बनाई है, जिसमें दिखाया गया है कि एक झगड़ालू औरत है जो अपने बेचारे पति को बुली कर रही है, उसके ऊपर रोब झाड़ रही है। और यहाँ पर लिखा गया है कि ओरिजिनल न्यूज रील फुटेज शोज द सफ्रेजेट एमिली वाइल्डिंग डेविसन थ्रोइंग हरसेल्फ अंडर किंग जॉर्ज फाइव्स हॉर्स एट अ फेमस रेस। और एक ओरिजिनल न्यूज रील फुटेज में ये दिखाया गया है कि एक सफ्रेजेट है एमिली वाइल्डिंग डेविसन जो अपने आप को किंग जॉर्ज फाइव के घोड़े के पैरों में गिरा रही है एक फेमस रेस के दौरान। क्वेश्चन नंबर 26 भी सेम बात ही कर रहा है कि जो सफ्रेजेट मूवमेंट्स के विरोधी थे उन्होंने कई ऐसी फिल्म्स बनाई जो मूवमेंट के विरोध में थी। तो दोनों स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, इसलिए हमारा 26th क्वेश्चन का आंसर यस हुआ। क्वेश्चन नंबर 27th, द राइटर ऑफ द आर्टिकल फाइंड्स द एग्जीबिशन टू बी ऑप्शन ए मिसलीडिंग, बी एक्सेप्शनल, सी डिसअपॉइंटिंग, डी इंफॉर्मेटिव। राइटर को एग्जीबिशन कैसी लगी? ए मिसलीड करने वाली, गुमराह करने वाली, बी एक्सेप्शनल कुछ हटके, सी डिसअपॉइंटिंग निराश करने वाली, और डी इंफॉर्मेटिव यानी कि इंफॉर्मेशन देने वाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, इट डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ एडवांस द सफ्रेजेट्स वर इन देयर थिंकिंग। ये शो करता है कि जो सफ्रेजेट्स थी वो अपनी थिंकिंग में कितनी एडवांस थी, इन द मार्केटिंग ऑफ देयर कैंपेन अपने कैंपेन की मार्केटिंग में वो कितनी एडवांस थी, एंड इन देयर वर्क एज
श्रूट एंड स्किलफुल इमेज बिल्डर्स, और अपने काम में इमेज बिल्ड करने में वो कितनी श्रूट यानी कि चतुर और स्किलफुल थी। इट ऑल्सो कन्वेज अ सेंस ऑफ एनर्जी एंड अबिलिटी द सफ्रजेट्स ब्रॉट टू देयर फाइट फॉर फ्रीडम एंड इक्वेलिटी, और ये वो ऊर्जा और वो एबिलिटी, वो योग्यता भी दिखाता है जो सफ्रजेट्स लेकर आई अपनी आज़ादी और इक्वेलिटी की लड़ाई में। एंड इट इलस्ट्रेट्स द इंटेलिजेंस एम्प्लॉयड बाय वीमन हु वर एट दैट टाइम डीम्ड बाय सेवरल पॉलिटिशियंस टू हैव ब्रेन्स टू स्मॉल टू नो हाउ टू वोट। और ये एग्जीबिशन शो करती है उन औरतों द्वारा यूज़ की गई इंटेलिजेंस जिन्हें बहुत सारे पॉलिटिशियंस एक छोटे दिमाग का मालिक समझते थे, जिन्हें पता ही नहीं था कि वोट कैसे दी जाती है। ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ के हमें इतना पता चल जाता है कि जो राइटर का व्यू है इस एग्जीबिशन या इस मूवमेंट के बारे में वो पॉजिटिव है। तो चारों ऑप्शंस में से जो दो नेगेटिव ऑप्शंस हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो जो ए ऑप्शन है मिसलीडिंग और सी ऑप्शन है जो डिसअपॉइंटिंग, वो रूल आउट हो गई। दो बची हुई ऑप्शंस बी एक्सेप्शनल और डी इंफॉर्मेटिव में से हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो डी है, क्योंकि ये जो एग्जीबिशन है ये कोई दूसरों से हटकर नहीं है, एक्सेप्शनल नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेटिव ज़रूर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर इसका होगा डी इंफॉर्मेटिव, क्योंकि ये आर्टिकल हमें सफ्रजेट मूवमेंट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है।